इस वीडियो के जरिए भारत में मौजूद आतंकियों के स्लीपर सेल मैनेज स्लीपर सेल मैसेज जारी किया गया है और हिंदुस्तान में ट्रेन हादसों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को डिरेल करने का फरमान दिया गया है। और ये टेलीग्राम पर जो वीडियो जारी किया गया है ये सुरक्षा एजेंसियों के हाथ तब लगा जब 23 और 24 अगस्त को वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की जांच शुरू हुई। आपको बता दें कि 23 अगस्त की रात राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। अहमदाबाद से जोधपुर जा रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस जब पाली रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तो रेलवे ट्रैक पर एक सीमेंट का बड़ा ब्लॉक रखा हुआ था जिससे कि वो टकरा गई। गनीमत ये थी कि इस टक्कर के बाद ट्रेन डिरेल नहीं हुई क्योंकि सीमेंट ट्रेन से जो ट्रेन के आगे जो लोहे का गार्ड लगा हुआ होता है उससे टकराया वो ब्लॉक और ट्रेन डिरेल होने से बच गई। ये गार्ड अमूमन मवेशियों को इंजन के नीचे फंसने से रोकने के लिए लगाया जाता है और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे पुलिस फोर्स की टीम 24 अगस्त को तब और हैरान रह गई जब फिर उसी जगह पाली में ही रेलवे ट्रैक पर दोबारा से सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ मिला और इस बार एक नहीं बल्कि दो दो ब्लॉक मिले। इसी के बाद साफ हो गया कि कोई तो है जो पाली में बड़े ट्रेन हादसे को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ। सवाल है कि वो कौन? तो उसी जांच पड़ताल के दौरान पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना फरहतुल्ला गौरी का एक टेलीग्राम वीडियो हाथ लग गया पुलिस, जिसमें आतंकी स्लीपर सेल को ट्रेन डिरेल करने का फरमान जारी किया जा रहा है और उसकी तरकीबें बताई जा रही। आपके लिए जानना जरूरी है आतंकी सरगना फरहतुल्ला ने किन किन रेल रूट पर ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश रची। उनके फरमान के मुताबिक आतंकी स्लीपर सेल दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई जैसे बड़े और जो व्यस्त रेल रूट हैं उसको निशाना बनाने की बात कर रहा है ताकि उसके टेरर अटैक का इंपैक्ट और बड़ा हो, हिंदुस्तान में दहशत ज्यादा फैले, मरने वालों की संख्या ज्यादा बढ़े। इस साल जून से लेकर अगस्त तक कई बड़े ट्रेन हादसे थे, जरा उनको याद करिए। किसी के लिए भी इन हादसों पर एक बार भी यकीन करना मुश्किल था कि अचानक से क्या हुआ कि पूरा रेलवे का सुरक्षा तंत्र जो है वो कोलैप्स कर गया है लगता है, जिसकी वजह से इतने हादसे हो रहे हैं। तमाम सुरक्षा इंतजाम के बीच ये हादसे जिस तरह से होते चले गए देश को चौंकाते रहे, सवाल उठाते चले गए कि रेलवे के सुरक्षा इंतजाम को ये क्या हो गया है। विपक्ष भी इस पर राजनीति कर रहा था, लेकिन देश में हाल में जो तीन बड़े ट्रेन हादसे हुए, जरा आप एक बार उसी पर गौर कर लीजिए। जरा तस्वीरें दिखाइए करके, जो कंचनजंगा की एक्सप्रेस के हादसे की जो तस्वीर है ये 17 जून को हुई थी बंगाल के दार्जिलिंग में। इस हादसे में 10 लोग मारे गए और 60 लोग घायल हुए। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस हादसे की, तारीख 30 जुलाई की है और झारखंड के जमशेदपुर में इस हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई थी और 20 लोग घायल हो गए। और जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे की है जो कि 18 जुलाई को हुई थी। यूपी के गोंडा में इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो सवाल यह है कि क्या ये तीनों हादसे भी आतंकी साजिश का नतीजा थे? इन हादसों की जांच जारी है, लेकिन ट्रेनों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है इसे अगस्त में हुई कुछ वारदातों से आप समझ सकते हैं। हम आप